Hey there, you're listening to The Quint. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट में दो ऐसे लोग अहम पद पर नियुक्त किए गए हैं जो 1992 में हुए बाबरी विध्वंस मामले के आरोपी हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव और राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास को अध्यक्ष बनाया गया है। नृत्य गोपाल दास कई सालों तक चले अयोध्या विवाद मामले में एक याचिकाकर्ता भी थे। ये दोनों ही बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आज इस पॉडकास्ट में इन पर लगे आरोपों की लंबी लिस्ट पर बात करेंगे और इनके इतने अहम ट्रस्ट में नियुक्त होने से क्या मैसेज जाता है उस पर भी बात करेंगे। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी पॉडकास्ट। मैं हूं फबीहा सैयद। हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे पॉलिटिकल कमेंटेटर आरती जयरथ से। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसी फैसले की रोशनी में राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया। बाबरी राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को राम लल्ला विराजमान को देने का फैसला सुनाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही उचित जगह पर 5 एकड़ जमीन देने को कहा था। कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया था जो राम मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख कर सके। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को लोकसभा में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का गठन कर दिया गया है और फाइनली उस ट्रस्ट के सदस्यों की 19 फरवरी को पहली बैठक हुई सीनियर एडवोकेट के परासरन के घर पर। 93 साल के परासरन यहां मुख्य भूमिका में है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील के परासरन ने राम लल्ला विराजमान को रिप्रेजेंट किया था। 9 अक्टूबर 1927 को तमिलनाडु के श्रीरंगम में पैदा हुए परासरन तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल रहने के अलावा भारत के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो साल 2012 से 2018 के बीच राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। परासरन को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस केस में हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट करने के अलावा परासरन साबरीमाला केस में भी वकील रह चुके हैं। अब सुनिए चंपत राय को जो 19 तारीख को हुई मीटिंग के बारे में बता रही हैं। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप बिग स्टोरी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट्स, गूगल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई, जियो सावन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी।